दमोह जिले में रेत खनन के मामलों का व्यापार करने वाले रेत का व्यापार करने वाले लोगों के ऊपर होने वाली कार्रवाई और उनको पीड़ित किए जाने के मामले में पहले भी युवा भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया आवाज उठा चुके हैं। वहीं एक बार फिर इन व्यापारियों के साथ वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। साथ ही उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि व्यापारियों को रेत का व्यापार करने दिया जाए। इसके अलावा जब वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे तो अन्य लोगों ने भी उनको अपनी समस्याएं सुनाई, जिसको लेकर के भी उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। हस्ताक्षर फर्जी नहीं है, हमने लिखा फर्जी हस्ताक्षर करके निकाल रहे। हस्ताक्षर तो आप ही होंगे करा नहीं, नहीं सर हस्ताक्षर नहीं, हस्ताक्षर क्या होंगे बैंक को पकड़े जाएंगे हस्ताक्षर इसी मैदान में। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा है जी। आप क्या खड़े हाँ निकल वाली ढेगावाड़ी कितना दूर है जवेरा से? जवेरा से पड़ता है 25 किलोमीटर। तो दोनों आप जवेरा से 11 किलोमीटर हमने नोटा पूछा क्या आप चलेंगे तो थोड़ा और मैटर रेत के व्यापार से बहुत सारे ट्रैक्टर वाले अपना काम करते हैं, बहुत सारे स्टॉकिस्ट अपना काम करते हैं, जबकि स्टॉक रखना नियम के विरुद्ध है, पर वो नियम भी गलत है। स्टॉक रखा जाएगा, स्टॉक रखना चाहिए, बड़ी मात्रा में रेत नहीं खरीद के आदमी ले जा सकता है जिसको ले जाना है। उसके साथ बहुत सारे मजदूर लगे हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर वाले लगे हैं, वो सबका व्यवसाय और रोज़गार उससे चलता है। इसके लिए इसमें बार बार बाधा पहुँचाएँ ये ठीक नहीं है। जो लोग मेरे साथ खड़े हैं वो बेहतर संपन्न लोग हैं, पर नीचे और जो लोग साथ में आज नहीं खड़े हैं वो लोग हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं, उनके मालिक हैं और जो मजदूरी उस पर कर रहे हैं। मेरा आग्रह है इस बारे में और राजनीति ना हो, विभाग प्रशासन इस बात पर ध्यान दें।